अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं हम जी आज का न्यू व्लॉग। तो हाँ जी, आप लोग भी लकड़ी के स्पून इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए? तो डेफिनेट करते होंगे, मैं भी करती हूँ। तो क्या आपको पता है कि इनको नीट एंड क्लीन कैसे किया जाता है? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनको नीट एंड क्लीन कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम जैसे अपने बर्तन वॉश कर रहे होते हैं तो इनको भी नॉर्मल उसी तरीके से वॉश कर लेते हैं, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा जर्म हो जाते हैं। और इनको सैनिटाइज करने के लिए मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ कि आप कौन सा तरीका यूज़ करें और इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, बिल्कुल न्यू जैसा। तो रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने एक खुले बर्तन में पानी ले लिया काफ़ी मिकदार में, और इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूंगी। और बॉयल करने के लिए पानी के अंदर और क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने साथ में जी ऐड कर दिया, इसमें कोई भी आपके पास लिक्विड सोप है जिसे हम बर्तन वॉश करते हैं किचन लिक्विड सोप, और 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दें या 1 स्पून, जिस तरह मतलब जितनी मिकदार में आपके पास स्पून्स हैं। और साथ में इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और वो है सिरका। जी हाँ, सिरका हम ऐड करेंगे। सिरके से ये होगा कि जितनी भी उस पर जर्म और पार्टिकल होते हैं जैसे फूड्स के, मतलब हमारे स्पून में स्टक हो जाते हैं, हल्दी और तकरीबन सारे स्पाइसेस जो भी होते हैं वुडन में, जो वुडन स्पून होते हैं उनके अंदर स्टक हो जाते हैं, तो वो सारे ना इससे रिमूव हो जाएंगे। तो बस अब जी मैं लेके आ चुकी हूँ अपने सारे स्पूंस जो कि मेरे किचन में यूज़ होते हैं और मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो बस जी अब इसको हम छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए पानी में, जब तक अच्छी तरीके से बॉयल होता है तो ये सारे स्पूंस भी इसके साथ ही बॉयल होंगे। तो जी ये वुडन स्पून्स और वुडन के जो वुड के कटिंग बोर्ड्स होते हैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हम खाना वगैरह अपने लिए बना रहे होते हैं, स्पून्स खाने में यूज़ हो रहे होते हैं, और कटिंग बोर्ड जो वुडन के होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हम अपनी सब्जियां वगैरह कट कर रहे होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है और इनको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से इस तरह इनको बॉयल करके वॉश करना पड़ता है ताकि इनके अंदर से जर्म्स ख़त्म हो जाएँ। और अब आप ये देखें पानी इस तरह बॉयल हो रहा है, साथ साथ इसके अंदर से जितने भी फूड पार्टिकल इसके अंदर स्ट्रक थे वो सारे ही रिमूव हो जाएंगे। एंड में मैं आपको ये पानी चेक करवाऊँगी कि ये पानी किस तरीके का हो गया है। तो बस ये अब मैं इनको अच्छी तरीके से बॉयल करने के बाद थोड़ी देर भी फिर 5-10 मिनट और इनको डिप करके रख दूंगी इसके अंदर, ताकि मज़ीद जितना भी इसके अंदर से वो है वो सारा रिमूव हो जाए। और उसके बाद मैं इसको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद जी इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर बेबी ऑयल जो होता है वो भी लगा के रख सकते हैं, इससे इनकी शाइन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर बेबी ऑयल नहीं है तो नॉर्मल हम कोई भी आप अपने हेयर्स के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, कुकिंग के लिए कुछ भी इस टाइप का, आप इनको अच्छी तरीके से ड्राई करके लगा लें तो बिल्कुल आपके जो स्पून्स हैं एकदम न्यू और शाइनी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये चेक करें जी अब इसके अंदर हल्दी के और ये जितने